नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि थर्मोकपल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों, आज मैं आपको उसी बारे में बताऊंगा कि थर्मोकपल होता क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है और क्यों यूज करते हैं इसका, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पे। तो थर्मोकपल क्या होता है? तो थर्मोकपल नॉर्मली हीट को, तापमान को मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बहुत जगह पे होता है, जैसे आपका गीजर हो गया, आपका हीटर हो गया। मतलब हीटर में जो नॉर्मल हीटर होते हैं उसमें तो खैर नहीं लगा होता है, लेकिन जो महंगे हीटर आते हैं उनमें लगा होता है। बॉयलर हो गया, आपका ओवन हो गया, इन सभी जितने भी चीज़ें गर्म होती हैं, जितने भी उपकरण जो गर्म होते हैं उनमें थर्मोकपल का यूज किया जाता है। अब दोस्तों, थर्मोकपल होता कैसा है? दोस्तों, इसमें ये कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, थर्मोकपल वो कई शेप में होते हैं, मतलब कई उसका आकार होता है, लेकिन मैं जो कंपनियों में जो यूज होते हैं मैं उनकी बात आपको कर रहा हूँ। दोस्तों, कुछ जगह कुछ कुछ मशीनों में थर्मोकपल तो कुछ ऐसा लगा होता है, ऐसे एक रॉड होती है, ठीक है, और इसमें दो वायर निकले होते हैं। इसमें लाल और पीला भी हो सकता है और लाल और नीला भी हो सकता है, कोई भी इसमें वायर कलर का वायर हो सकता है, लेकिन इसमें दो ही वायर होते हैं, तीन वायर नहीं होते हैं। अब दोस्तों, जब इसके सामने हीट मतलब एक एक पाइप के आकार का होगा, उसके अंदर ये रॉड जो है अंदर जाएगी, और जब ये गर्म होगा तो इसका जो ये इसका सेंसिंग पॉइंट होता है दोस्तों, इसको थर्मोकपल भी कह सकते हैं और इसको सेंसर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हीट को सेंस करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये हीट इसके पास टच होगा तो ये इसके बाद बाहर ये आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा, ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज ये जनरेट करेगा। उसके बाद दोस्तों, जो इसके बाद जो कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर हमारा नॉर्मली जो मतलब कंट्रोलर एक तरीके का मतलब समझ लीजिए आप, कि जो हीट के जितना कितना टेम्परेचर आ रहा है, मतलब वो 10 डिग्री आ रहा है, 5 डिग्री आ रहा है या 100 डिग्री आ रहा है, उसको कंट्रोलर जो है शो करेगा कि इतना टेम्परेचर इसमें चल रहा है। अब दोस्तों, उस समय क्या होता है, इसका काम क्या होता है? मान लीजिए किसी भी हीट को कहीं भी हमने मान लीजिए 100 डिग्री पे सेट कर रखा है, ठीक है। अब अगर थर्मोकपल ये तो सेंस करता रहेगा, अब अगर 100 डिग्री है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये वोल्टेज आउटपुट नहीं निकालेगा। लेकिन अगर ये 95 हो गया या फिर 96 हो गया, तो यह थर्मोकपल ही होता है जो कंट्रोलर को बताता है कि टेम्परेचर कम हो गया, या फिर अगर ये 110 हो गया तो फिर ये थर्मोकपल ही बताएगा कंट्रोलर को कि भैया देखो इसका टेम्परेचर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो फिर आगे इस जब आउटपुट निकालेगा उसके बाद इसमें सप्लाई जाएगी हीटर में, उसके बाद फिर ये काम करने लगेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें प्लस माइनस 5% से 10% का टॉलरेंस होता है, यानी कि ये 5% या 10% कम या ज़्यादा हो सकता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो अच्छी तो होती है, लेकिन प्लस माइनस 5 या 10% का इसमें टॉलरेंस होता है, ये कम ज़्यादा बताता है। दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं, और वो आपको बताऊँ मैं, फोर टाइप के होते हैं। पहला जो होता है जे टाइप, टी टाइप, ठीक है, जे टी टाइप, के टाइप, ई टाइप, के ये चार प्रकार के होते हैं। जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट उठती है वहाँ पे उसी प्रकार का थर्मोकपल लगाते हैं। दोस्तों, थर्मोकपल एक तरीके का मैं आपको बोल दूँ कि ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब ये तो इसके टाइप हो गए, लेकिन जो दूसरा इसका जो टाइप होता है उसे बोलते हैं आरटीडी, ठीक है, आरटीडी होता है। आरटीडी का यूज करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, हमको मेजरमेंट करना है। दोस्तों,
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए वजह से मैं आपको आरटीटी के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा, और आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। आरटीटी का हम यूज़ दूसरी जगह पे करते हैं दोस्तों। जो इसका कैपेसिटी होती है वो -200 से सेंटीग्रेड से +2500 डिग्री सेल्सियस पर ये काम करता है। मतलब थर्मोकपल का हम यूज़ ओनली तापमान मतलब हीट को ही मेजर करने के लिए नहीं लगाते हैं। अगर ठंडा गर्म कुछ भी अगर हमको मेजर करना हो तो ये दोनों में काम आते हैं, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पर -200 या फिर 10 डिग्री या फिर कोई भी टेम्परेचर हो, या फिर +250, 100, ये दोनों पे हम लगाते हैं, ठीक है। आरटीडी भी हम दोनों पे लगाते हैं, लेकिन दोस्तों आरटीडी थोड़ा सा इससे अच्छा होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसका उसका पूरा फंक्शन ही पूरा अलग होता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ समझ गए कि थर्मोकपल का काम ही होता है दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा गीजर होता है, जो हमारा प्रेस होता है दोस्तों, प्रेस में थर्मोकपल ही लगा होता है, लेकिन वो अलग टाइप का होता है, उसमें थर्मोस्टेट उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यह उसको ऑन ऑफ करने के लिए दोस्तों, अगर ये थर्मोकपल नहीं लगा होगा तो जो हमारा टेम्परेचर वो कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाएगा, वो कम नहीं होगा, इसीलिए थर्मोकपल लगाते हैं, क्या कि उसका हीट मेजरमेंट करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकें। यह दोस्तों थर्मोकपल जो होता है ये सी बैक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है, सी बैक इफेक्ट प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। इसका यूज हम इसीलिए करते हैं, कहीं भी हमको हीट का मेजरमेंट करना है, ओवन हो गया या कुछ भी जो चीज़ गर्म या ठंडा होता है, वहाँ पर हम थर्मोकपल के यूज करते हैं, ठीक है। आपका बॉयलर हो गया, बॉयलर आपने नाम सुना होगा, बॉयलर पे भी हम थर्मोकपल का हम यूज करते हैं। यह दोस्तों बहुत सस्ता होता है, और उसको इसके डिसएडवांटेज इसका यही है, इसके नुकसान यही है कि यह इसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, इसमें -5% से 10% का इसमें टॉलरेंस इसमें होता है। तो दोस्तों यही सब था, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में रह गया हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और कुछ रोज़ नया सीखते रहिए।